गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। क्लास है आपकी 8, सब्जेक्ट है आपका विज्ञान और आज डेट है 30 सितंबर। सूक्ष्म जीव, हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, उसको उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं, उसको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदल देते हैं, ठीक है, डोसा वगैरह बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करते हैं और हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें भी मदद करते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द, उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की या फिर इंजेक्शन की जरूरत है, ठीक है। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि क्या हैं? सूक्ष्म जीवों से, या तो जीवाणु से या फिर कवक से बनाई जाने वाली दवाइयां हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। जो पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। पहली बार एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और इसका नाम था पेंसिलिन, ठीक है। मैं आपसे इसको लाइव सेशन में पूछूंगी तो इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है बच्चा। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों को पल्स पोलियो का पिलाने के लिए आते हैं, दो बूंद जिंदगी की कहते हैं ना ऐसे। आजकल कोरोना वायरस के वैक्सीन की भी बातें चल रही हैं, क्यों? क्योंकि अगर एक बार वैक्सीन डेवलप हो जाएगा तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे अंदर जैसे ही हमारे ऊपर वायरस अटैक करेगा तो जो डेड वायरस पड़ा है उसके लिए, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोग से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही बहुत सारे ऐसे टीके या फिर वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो वो टीके का क्या मतलब है, वैक्सीन का क्या मतलब है? यानी कि उनके अंदर पहले से ही बहुत कमज़ोर वाले वायरस डाल दिए जाते हैं या फिर बहुत कमज़ोर वाले जो जीवाणु हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो जब शरीर के अंदर हम पहले से ही जीवाणु डाल देते हैं तो हमारे शरीर पहले से ही समझ चुका होता है कि जो जीवाणु जो मेरे अंदर पड़े हैं ये मेरे लिए खतरनाक हैं और वो उनसे लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेता है। और फिर जब एक्चुअल में जब जो जीवाणु होते हैं जब एक्चुअल में हमें अटैक करते हैं तो क्या होता है, फिर तब तक हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है, यानी अपने हथियार प्रिपेयर कर चुका होता है, ठीक है बच्चा। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी? सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चंस को। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया या कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से बनी दवाएं हैं। किन्हीं तीन एंटीबायोटिक के नाम बताओ? स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, ये तीन हमारी एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर आप सिर्फ नाम नाम भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये अगर नहीं भी, लास्ट वाला नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने थोड़ा सा बड़ा वैसे ही लिखवा दिया है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नाम ही पूछा है आपसे यहाँ पे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए हैं। 10 या 12 टीके बच्चे को लगते हैं, छोटे से बच्चे को, ठीक है। तो वैक्सीन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव या उनके उत्पाद जो रोग के समान होते हैं शरीर में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार शरीर आएगा यहाँ पे, ठीक है, शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैक्सीन का नाम, क्योंकि उन्होंने पूछे थे वैक्सीन के नाम जो आपके मम्मी पापा ने लगवाए हैं, और भी पूछ सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं। एक तो पल्स पोलियो वैक्सीन, कोरोना वायरस वैक्सीन तो आपको अभी लगा नहीं है तो ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है। टाइफाइड संयुग्म वैक्सीन 1, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मंथ के बच्चे को बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे कि 6 महीने का होता है तो हेपेटाइटिस बी, फिर OPV1, IYV1, IV2, OP2, तो इस तरीके से 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, तो अलग अलग वैक्सीन उसको लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको याद भी करने हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का।
ठीक है, ऑलरेडी आप 500 इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन हम एक सेट करते हैं टारगेट्स आज से। हम रोज हम टारगेट सेट किया करेंगे और उसको अचीव किया करेंगे। अगर आपने जूम एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जूम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी वर्कशीट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों मीडियम में एक्सप्लेन भी किया जाता है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। और आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।